आप देख रहे हैं श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के मुखारविंद से भगवान शिव एवं हनुमान जी के महिमा गान पर आधारित श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा का दंदरौवा धाम भिंड मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण। बोले गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पांच दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और दंदरौवा धाम की पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी दंदरौवा सरकार यहाँ पर उपस्थित। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय सरकार द्वारा यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा और बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी ये सुंदर कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। आज विराम दिवस की कथा है, पंचम दिवस की कथा है। हम सभी देख रहे हैं रात भर से भक्तों का आना लगा हुआ है और पूरे दंदरौवा धाम में केवल भक्तों का ही जन सैलाब दिख रहा है। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कथा होनी है पर भक्तों का जो सैलाब है वे रात भर से आना उनका निरंतर चालू है। आज कहीं पर भी हम देख रहे हैं भक्त बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, दुकानों में उन्हें जगह मिल रही है वहां पर बैठे हैं। पर कथा जरूर श्रवण करने का मन में एक लालसा रहती है। देखिए यही भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज सभी भक्त एकजुट हो रहे हैं, एक जाजम पर बैठ रहे हैं और भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़ी ही अच्छी बात है। सुंदर हम कथा के पंचम दिवस पर प्रवेश करेंगे और हम मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, उनका गुणन अनुवाद करें तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। आज हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने एक मार्ग बताया है जिस मार्ग पर हम निश्चित ही चलेंगे तो भोलेनाथ की कृपा हम सभी जीव पर होगी और दुख हमें कभी सता नहीं सकता। ये मार्ग ऐसा है, थोड़ा सा हमें मार्ग में दिक्कत परेशानी आएगी क्योंकि हम नियम बना लेंगे तो ये भी सारी दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएगी। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है तो निरंतर हम भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करें और निरंतर हम भगवान के चरणों में जाएं, हाजिरी लगाएं तो निश्चित ही हमारी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा हम सभी भक्तों का ध्यान रखेंगे और निरंतर ही उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। वैसे भी इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो निरंतर हमारी सोच ऐसी होना चाहिए कि हमारे मन क्रम वचन ध्यान से किसी का भी अहित ना हो, किसी को भी दुख ना पहुंचे और सब इस संसार में सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयी, यही हमारी सोच होना चाहिए। वैसे भी सनातन धर्म में सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, इसकी प्रार्थना सनातन धर्म के मानने वाले लोग निरंतर करते हैं। वैसे भी हम सभी को यही प्रार्थना करना चाहिए कि सबकी खुशी में हो हमारी खुशी, ऐसा हमारा नजरिया कर दो। सबके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी ला सकूं, तुम ऐसा हमेशा मुझको जरिया कर दो। खुश रहने का समय नहीं, बस खुश रखने
खुश दिखने की होड़ है। हम सभी यही करते हैं कि खुश रहने का समय नहीं है, बस खुश दिखने की होड़ रहती है कि आज हम खुश दिख सकें एक दूसरे को, यही होड़ करते हैं। लेकिन असली जो खुशी होती है वो हमारे हृदय से निकलती है। और भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने के बाद में हम सभी को जो खुशी प्राप्त होती है, ये निश्चित ही अपने आप में एक उपलब्धि है। आज हम देखते हैं YouTube पर भी लाखों भक्त कथा श्रवण करते हैं और TV के चैनल के माध्यम से भी लाखों भक्त कथा श्रवण करते हैं। उन्हें भी बड़ी बेचैनी होती है, एक दिन भी अगर कथा नहीं आती है बड़ी बेचैनी होती है। कथा पंडाल में भले ही कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, फिर भी कथा पंडाल में जाकर कथा श्रवण करने का भाव मन में सभी भक्तों का होता है, तो निरंतर खुशियां हमें प्राप्त हो। और शिव महापुराण के माध्यम से जो हमारा जीवन बदला है वो निश्चित ही हम सभी को देखने को ही बनता है। आज हम कहीं भी देखते हैं मंदिरों में लंबी कतारें लगी रहती हैं, ये हमारे जीवन में एक बदलाव हुआ है। आज हर वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, ये बदलाव हमारे जीवन में हुआ है। आज सभी भक्त धर्म के प्रति इतने जागरूक हुए हैं, ये बदलाव शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हुआ है। आज सभी भक्त मंदिर जाना पसंद करते हैं, ये बदलाव शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हुआ है। तो निरंतर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बदलाव हुआ है। पहले भी कथाएं होती थी, पहले भी कथा के पंडाल लगते थे और कुछ भक्त जाते थे कथा श्रवण करते थे, पर यह अचानक क्या हुआ कि कलयुग के अंदर भक्तों का इतना जन सैलाब हम सभी को देखने को मिलता है। कहीं पर भी कथा हो पर भक्त लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। तो ये सही मायनों में कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिव युग चल रहा है, जो जिसका हम जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। लाखों की संख्या में सभी भक्त पहुंचते हैं, अपने मन की बात कथा पंडाल में बैठकर कहते हैं और मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, ऐसा आत्मविश्वास हम सभी के हृदय में पूज्य गुरुदेव ने जगाया है। देखिए, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकें, इसके लिए शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुदेव हम सभी को छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं और हम हमारे स्वभाव को, नेचर को किस प्रकार से बदल सकते हैं परिवार के हित के लिए, ये भी हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं। देखिए, वैसे भी हर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी भी आती है और हर मनुष्य थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ गलतियां उससे अवश्य होती हैं, पर हम उन गलतियों में सुधार करें तो निश्चित ही भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। क्योंकि मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये मेरा अहंकार है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ये सर्वश्रेष्ठ गुण है जो हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, दिक्कत परेशानी भी आए तो हमें धैर्यता का परिचय देना चाहिए। धैर्यता से सारे कार्य होते हैं और ये सबसे श्रेष्ठ गुण हमारे जीवन में रहता है कि हम धैर्यता से अपने जीवन को जिए, थोड़ी सी शांति अपने मस्तिष्क में अवश्य बना के रखें, जिससे निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे जीवन में आनंद प्राप्त होगा। वैसे भी इस संसार में प्यार करने लायक दो ही वस्तुएं हैं, एक दुख, दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता, श्रम के बिना मनुष्य तत्व का विकास नहीं होता। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ में भूख भी हो, बिस्तर के साथ में नींद भी हो और धन के साथ धर्म भी हो, विशिष्टता के साथ शिष्टा भी हो, तो निश्चित ही वे जीवन में मनुष्य सबसे सौभाग्यशाली होता है।
जिसके जीवन में ये चार गुण होते हैं वह निश्चित ही सौभाग्यशाली होता है। तो हम भी हमारे जीवन में इसे गुण बना के रखें। अगर हमारे को भूख भोजन हो तो भूख भी हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, बिस्तर हो तो नींद भी हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, और धन हो तो धन धर्म में अवश्य लगाना चाहिए, विशिष्टता के साथ में शिष्टता भी हमारे जीवन में होना चाहिए। निरंतर हम भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, और निरंतर अपने जीवन में भगवान के चरणों को हम निरंतर प्रतिदिन हम भगवान के चरणों को याद करते रहें, उनके मंदिर जाएं, देवालय जाएं, तो निश्चित ही ये हमारे जीवन का एक परम सौभाग्यशाली वे क्षण होते हैं। निरंतर आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। आप सभी को ज्ञात है कंकर शंकर की वो भूमि, कंकर शंकर की वो पावन धरा जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है, सेवा का क्रम उस धरा से प्रतिदिन विद्यमान होता है, निरंतर सेवा का क्रम चलता है। सेवा का क्रम धधरौआ धाम की पावन धरा से भी निरंतर चलता है, जिसमें सभी भक्त लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और निरंतर भोजन भंडारा निःशुल्क रूप से प्राप्त करते हैं। गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा भी यहाँ पर प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि जो विकलांग गौए होती है उनकी सेवा भी यहाँ पर सुचारू रूप से की जाती है। कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा से भी गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से की जाती है, साथ में भोजन भंडारा भी कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा से निरंतर वितरण किया जाता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। सुंदर आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा से निरंतर सुचारू रूप से चलता है, निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण वहां से की जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 2 एम्बुलेंस भी वहां पर प्रतिदिन 24 घंटे भक्तों की सेवा के लिए उपलब्ध रहती है, और आप सभी को ज्ञात है कि 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 12 से 13 हॉल इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे। लगभग एक हॉल में 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन आनंद से प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। सुंदर जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी सहयोग राशि समर्पित करना है, उन वो दानदाता अपनी सहयोग राशि टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है उस अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री मोतीराम जी राठौर गोविंदपुरी दिल्ली से आप पधारे और सुंदर मंदिर निर्माण हेतु 1,11,100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। होमन जी देशमुख कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुमित कुमार जी बिहार से सुंदर आपने 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गुप्तदान में संभाजी नगर महाराष्ट्र से 511 रुपए, पदम जी गुजर की तरफ से गंगापुर से सुंदर 1,100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। हरी जी दड़सेना की तरफ से महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से सुंदर 1,151 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। योगेश जी बिठोबा धुलिया महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। हरी शंकर जी दिल्ली से सुंदर 2,101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अनिल जी मुंबई से सुंदर 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। नारायण भाबा जी वासिम महाराष्ट्र से सुंदर 1,101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बबलू जी बुधा की तरफ से सुरपुर महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अभिषेक सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। सुनंदा राम राव जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। पूजा ससांग जी गुप्ता रामपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1,100 रुपए। ललिता देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 1,111 रुपए। दौलत
पुरोहित की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए बिलास जानकी राम जी पटेल की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए पंकज जी गुप्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सावित्री बाई जी रजक की तरफ से नरसिंहपुर से सुंदर 2100 रुपए की स्वीकृति आपने सम्मिलित की शैलजा जी कुलकर्णी की तरफ से जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने सम्मिलित की भीरम राम जी देवासी की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने सम्मिलित की उद्धव जी चौहान की तरफ से लातूर मराठे से सुंदर 1001 रुपए की स्वीकृति आपने सम्मिलित की अंकित जी खोवाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 552 रुपए पुष्पा जी पंत की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए दिनेश एकनाथ जी सोनवानी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए रविंद्र जी राजपूत नासिक मराठी से 500 रुपए संजीव जी राय की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई गीता जी शुक्रा बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए मुके विकास जी मुंडे की तरफ से परली बेजनाथ से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की स्वर्गीय रमेश जी घोरमाला की तरफ से अमरावती महाराष्ट्र से 500 रुपए हीराबाई जी रमेश जी पटेल की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधार 5001 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्य स्वीकृति आपने समर्पित की रीता जी डोम बाबू जी इंगले की तरफ से मूर्तिजापुर से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की गुलाब सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए आकाश कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए संतोष कुमार जी साहू भेमतरा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए नितिन युवराज जी पटेल की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए ज्योति जी रघुवंशी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की संजीव जी रस्तोगी की तरफ से सुधा 500 रुपए सुधाकर गणेश जी कुलकर्णी धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए कदम बाला साहब जी सुदाम राव जी की तरफ से संभाजी नगर से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की नीला जी साहब की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुंदर आपने 552 रुपए की स्वीकृति समर्पित की सतेश सिंह जी भदौरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 2001 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की सत्यानंद भगत मीरा जी भगत की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए मारुति सोनाने की तरफ से बुलडाणा महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की इसलिए लता जी पालमपुर से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वीकृति समर्पित की रायचप्पा सज्जन जी शेट्टी की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की डोंगरे परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 1500 रुपए सदाशिव संभुजी मराठे की तरफ से सादा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की विनीता जी यादव आगरा उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए परिमिल बी जी पटेल की तरफ से बलसाड़ गुजरात से सुधा 2001 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की अमृता कुमारी जी की तरफ से गया बिहार से सुधा 500 रुपए मनाली जी साई की तरफ से राजकोट गुजरात से सुधा 500 रुपए घनश्याम सिंह जी पवार की तरफ से मनासा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए सरोज जी वाजपेयी की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 1100 रुपए विमान जी चोटिलिया की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए मनीष कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए ज्योति मोबाइल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई मीनू महादेव सिंह जी सकावत सीकर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की हंसराज जी की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए उमा दत्त जी तिवारी तिलबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से 50001 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रे रे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मैंने लाखों के बोल सहे हे गुरु बरे तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे हे गुरु के बोल सहे गुरु मरे मन लाखों के बोल सहे गुरु
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए सभी संत भगवान के चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के पंचम दिवस में, विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे ससम्मान मंच पे पधारे। श्री देवेंद्र जी नरवरिया जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री रजन सिंह जी भदौरिया जी, श्री गुड्डी पुजारी बनखंडेश्वर धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री राम सिया जी पुरोहित बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री रक्षपाल जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री हर नारायण जी वकील साहब बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री महेश जी सरपंच बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। संदीप जी मिश्रा सेवा दल से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री श्याम बिहारी जी दंदरहुआ धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुदामा जी थापक दंदरहुआ धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। विनोद जी तोमर आयराई साहब बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री गुड्डू जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री पंडा जी भीतर बाहर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री कल्लू जी खरहुआ से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री सुरेश जी दंदरहुआ धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री उम्मेद जी गुजर दंदरहुआ धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री भानु जी मास्टर दंदरहुआ धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। विशंबर जी बोहरे दंदरहुआ धाम से। श्री सुरेंद्र जी गुजर दंदरहुआ धाम से। श्री मनोज जी कानपुर उत्तर प्रदेश से। श्री राम बिहारी जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री मुकेश जी शुक्ला, श्री ब्रजेश जी अवस्थी, श्री राकेश जी शर्मा, श्री मनोज जी गुप्ता, श्री दीपू जी मिश्रा, श्री अखिलेश कुमार जी, श्री गाजा जी शुक्ला, श्री सुग्रीव जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री रणवीर जी गुजर दंदरहुआ धाम से। श्री सुनील जी नायब, इन्होंने यज्ञ हेतु सुंदर सहयोग राशि समर्पित की 2,01,000 रुपए की। राजकुमार जी पुजारी, कपिल जी शर्मा, गुड्डू सरपंच, मनीष महाराज जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, कमलेश जी चौधरी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बता रहे। सुंदर जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवन सारी पुण्य सारी दानदाताओं के नाम। उमादत्त जी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 50,001 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके, सहयोग राशि आपने समृद्ध की। बालकृष्ण जी कोटवाल की तरफ से सूरत गुजरात से, सुंदर आपने 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। देवराज जी केलवा की तरफ से कोटा राजस्थान से, सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। मिथुन जी खाती की तरफ से सुंदर 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। श्याम सिंह जी चंद्रवत की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से, सुधा 500 रुपए। देवंगर जीजा राव जी माली की तरफ से धुले महाराष्ट्र से, सुधा 500 रुपए। रुचिका जी मिलगानी की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा, सुधा 500 रुपए। किरण अरुण जी की तरफ से भंडारा महाराष्ट्र से, सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। नारायण दास जी भगवती जी अरोरा की तरफ से वृंदावन धाम से, सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम से समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके, सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की।
लक्ष्मीकांत जी, सिद्धराम जी राव रिमभाड़कर की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुंदर 2100 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध किया। आलोक जी दीक्षित फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 1100 रुपए, दया देवी जी की तरफ से रीवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए की चौरसी समृद्ध की। श्रीपति देवी जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, दुलारी देवी जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, संदीप जी साहू छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। सलाह दिवाकर जी बड़गुजर की तरफ से मुंबई से सुधर 1100 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। राजश्री जी रुपेश जी सराफ की तरफ से पूरे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। कमलेश सरपंच जी चिरौली से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। कमलेश जी सोनी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। मुकेश जी शर्मा बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। आलोक जी दीक्षित फारुखाबाद से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 1100 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। ब्रज किशोर जी की तरफ से साजापुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मिथिलेश जी घर के दिल्ली से सुधा 500 रुपए, संजय कुमार जी सीमा देवी जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 1100 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। रविंद्र शिवाजी ठाकरे की तरफ से सिरपुर महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए, अरुण जी श्रीवास्तव की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। अनिता कृष्ण गोपाल जी दैया की तरफ से पिलानी से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। अर्पणा सिंह जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, संजय बित्तल जी राणा की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 700 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। गिरीश बालाजी की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, शशिकांत पहलाद जी कुलकर्णी धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, मीनू जी गुरैया की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, जीतू नामदेव जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। कृष्णपाल सिंह जी चौहान की तरफ से उदयपुर अजीता से सुधा 500 रुपए, महेंद्र सिंह जी चौहान बड़पानी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सिब्बू जी गोराई की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, मुन्नी देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। विजय जी चौहान की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए, धूले सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, मनोज कुमार जी पंजाब से सुधा 500 रुपए, संतोष जी परेख की तरफ से धूले महाराष्ट्र से सुधा 2201 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। नवीन कुमार जी शर्मा झारखंड से सुधा 500 रुपए, जसपाल जी मछला देवी जी की तरफ से अम्बाला पंजाब से सुधा 500 रुपए, श्याम सुंदर जी दीक्षित लखीमपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। शरद लाल चंद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। रूबी सिंह जी की तरफ से छपरा बिहार से सुधा 1100 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। मुक्ति जी जसपाल की तरफ से मालदा से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरसी समृद्ध की। पूजा जी सैनी मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, धकेश्वर ध्रुव जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। नरेश कुमार जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, मंजू जी गुप्ता मंडी हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, नर्मदा जी खंडेलवाल की तरफ से सुधा 700 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। राजेन जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, कल्पना जी एंगल कर की तरफ से मुंबई से सुंदर आपने 1001 रुपए की चौरसी समर्पित की। संगीत जी तनवर की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, शिवांगी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, गीता जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, आशीष जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, आरजी यादव की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। शैलेश कुमार जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 16000 रुपए की चौरसी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरसी आपने समृद्ध की। विनय कुमार जी गुप्ता लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए, राजेश सिंह जी झाला की तरफ से चित्तौड़ राजस्थान से सुधा 1151 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। ओम प्रकाश जी पाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1151 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। शीला राम स्वरूप जी पांडे की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, ओम प्रकाश जी अजय कुमार जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। महेश कुमार जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरसी समृद्ध की। बिक्कू जी राठौर की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधर 5001 रुपए की चौरसी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरसी आपने समृद्ध की। द्रौपदी देवी जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय विष्णु जी अग्रवाल की स्मृति में कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, दिलीप सिंह जी चित्रकूट उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रेखा विजय जी अग्रवाल की तरफ से धूले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, भारती जी तिवारी दमोह उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शीला जी चौहान की तरफ से सुधा 1100 रुपए, रितेश जी चावला की तरफ से दिल्ली से सुधा अपने 500 रुपए की चौरसी समृद्ध की। बबीता नितिन जी महाजन की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से सुधर अपने 1001 रुपए की चौरसी समृद्ध की। कृष्णा जी पवार की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय गिरीश जी सिंगल की स्मृति में दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रवि जी वर्मा की तरफ से अतरोली से सुधा 500 रुपए, निर्मला जी टाक की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, प्रमोद झा रानी देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, अंकित जी पठानिया की तरफ से कांगड़ा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरसी समृद्ध की। सीता जी वर्मा फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। शालिनी जी वाजपेयी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 1100 रुपए, गायत्री जी पवार जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, रामप्यारी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, गुप्ता धाम से सुधा 1100 रुपए, अतुल जी कुलकर्णी पुष्कर धाम से सुधर आपने 2001 रुपए की चौरसी समर्पित की। अंकित जी चौधरी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता धाम में ब्यौर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, शशि किरण जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए, रोहिणी भाई जी चरणदास जी पवार की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, राम तीर्थ जी त्रिवेदी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, महिपाल जी राठौर की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरसी समृद्ध की। वेद प्रकाश जी वर्मा अतरौली से सुधा 500 रुपए, राकेश कुमार जी वर्मा की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गणेश जी सिरसाट की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, नागेंद्र जी शर्मा की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मनोज जी चौहान की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 1001 रुपए की चौरसी आपने समृद्ध की। यस राज जी सेना की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, राजरानी
जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली सुंदर की सौ एक रुपए की तरह से अपने समझ की चंद्रा जी भट्ट की तरफ से अल्दमानी उत्तराखंड सुधर 1100 रुपए नंदन कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 551 रुपए की तरह से समृद्ध की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा स्वग्रह आपने समृद्ध की जो भक्त अपनी स्वग्रह मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम से समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सभा समिति का 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों में से किसी में भी अपनी स्वग्रहसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त यहाँ दंदरुआ धाम के पावन धरा पर अपनी स्वग्रहसी समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वग्रहसी जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। सुंदर हम सभी आज पंचम दिवस की कथा विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, ददरौआ धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम सरकार की जय, संत सतगुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदान ऋणवास्यनंतनीतचार्यनं प्रणमामि नमः। यदन कृतो जंतुवा सर्वदुखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनं अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानज्योतिशलाकया चक्षुरन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामृदय शेषलीलाचरदीश नम लक्ष्मी सहस्रनाम सर्वमानं कलानिधि चतुर्भिश्व 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 त्रिस्तवा श्रम जायते।
बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः कालेश्वर भगवान की ददरवा धाम हनुमान जी महाराज की सीताराम सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण
विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम श्रवण करने के लिए भिंड जिले के इस पुनीत पावन धाम में ददरौआ धाम में श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ के नज़दीक विराजमान होकर व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने वाले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी ददरौआ धाम सरकार कथा में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन एवं सभी विद्वत जन कथा के मुख्य यजमान श्री अखिलेश जी तिवारी इटावा उत्तर प्रदेश से है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम सबको प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की पवित्र भूमि जहाँ डॉक्टर हनुमान सखी हनुमान विराजमान है शिव का 11वां अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। आज आप अगर कथा सुनने के लिए यहाँ विराजमान है लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो ये अपने भीतर भाव प्रकट करना कि ददरौआ धाम में आप कथा सुन रहे हैं मतलब श्री हनुमान जी स्वयं डीले कम करो भाई और आवाज़ क्लियर करो। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान शिव का एक अवतार है। अब हम अगर देखे जाएं तो कथा सुनने के लिए शंकर भगवान के दरवाजे पर ददरौआ धाम में हनुमान जी महाराज की साक्षी में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए अगर हम बैठे हैं शिव महापुराण की कथा यदि हम सुनने के लिए बैठे हैं तो ये भाव आपके भीतर रहना चाहिए कि हम भगवान शंकर के 11वें अवतार के सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। ये पंखा थोड़ा सा उधर घुमा ये वाला घुमा 11वें रुद्र अवतार के उस पवित्र प्रागण्य में
भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि जैसे मेहमान जाते हैं तो मेहमान जाते जाते घर के छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेहमान अगर जा रहे हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जिस दिन कथा का विराम होता है, कथा का विराम होता है, कथा समापन होती है या शिव महापुराण की कथा पूर्ण होती है, विराम की ओर जाती है, तो मेरा बाबा भी अपने इन सब बच्चों के गोदी में कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। क्योंकि वो जगत का पिता है। कथा के प्रथम दिवस में अपन ने स्मरण करा था कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था कि आपके पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया था कि ये मेरे पिता है, भगवान शिव मेरे पिता। एक संबंध शिव का और आपका, एक संबंध शिव का और हमारा, एक संबंध शिव का और पूरे संसार का है। देखो, बच्चों से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे बच्चे हैं। माता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारी माता है। पिता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे पिता हैं। घर में गौ माता रहती है, स्वान रहता है, बिल्ली रहती है, कुत्ता रहता है, जो भी तुम्हारे घर में है उससे भी हम अपना एक प्रेम भाव का संबंध बनाते हैं कि हमारा पालतू है, हम इसको अपने साथ रखे। मकान से भी हमारा संबंध हो जाता है कि यह मकान हमारा। दुकान से भी एक संबंध हो जाता है कि यह दुकान हमारी है। ये दुनिया के जितने संबंध हैं, मामा काका बुआ चाचा, मकान जमीन जायदाद रिश्ते नाते, सारे संबंध हमको बनाना पड़ता है। पर दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा है जिसको बनाना नहीं पड़ता, वो बना बनाया आता है, वो जीव का परमात्मा से संबंध है जो बना बनाया आता है, उसको कोई बनाता नहीं है, उसको कोई नहीं बनाता। संगीत वाले की आवाज कम करो बाबा। जीव का जो संबंध है आत्मा को और जीव का जो संबंध है इसको बनाया नहीं जाता, वो बना बनाया। इस संबंध को कोई नहीं बना सकता। जब मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ, संसार सागर में हम पैदा हुए, संसार सागर में हमारा जन्म हुआ, तब परमात्मा खुद आपको पृथ्वी पर जब जन्म देता है तो अपने ही अंश से प्रकट कर भेजता है। एक माता पिता के अंश से उसका जैसे बच्चा होता है, माता पिता के अंश से जैसे उसकी संतान होती है, माता पिता के अंश से ये शरीर मिल जाता, माता पिता के अंश से ये देखने के लिए दृष्टि, श्रवण शक्ति, पांव, हाथ, मुख, कर्ण, नासिका, ये सब शरीर के एक एक अंग माता पिता के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं।
पर ये आत्मा जो है ये माता पिता से नहीं मिली है, ये आत्मा तो परमात्मा उस जीव में खुद देकर भेजता है। अपने पास की कोई कीमती वस्तु वो आत्मा है, वो आपकी आत्मा परमात्मा खुद देकर भेजता है, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मरने के बाद कोई प्राण नहीं छूट सकता। ये जो प्राण दिए हैं, ये जो आत्मा है, जो प्राण है आपके भीतर, जो श्वासें हैं, ये मेरे परमात्मा ने खुद की दी है, आप स्वयं की। संसार के लोगों से बड़ा संबंध परमात्मा से आपका होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे काम आएगा, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में एक जरूर काम आएगा, तुम्हारा करा गया भगवान का भजन, तुम्हारा किया गया परमात्मा का नाम और शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी अंत अवस्था में जरूर काम आएगा। सीओर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी नहीं पहुंचेगा, ये अंदाजा हटा देना कि सीओर वाला महाराज हमारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। सीओर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी खड़ा नहीं होगा। महाभारत का चरित्र उठाकर देखना, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा है और द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे काका ससुर हो। धृतराष्ट्र कहता है मेरी आंखें नहीं है, गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी है, भीष्म पितामह कहते हैं मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूं, पति कहते हैं हमने हरा दिया तुझको। रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, आप मेरे गुरु हो, कोई नहीं बचा सकता, कम से कम गुरु तो बचा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा, द्रौपदी मैं खुद इस सभा में बैठा हूँ, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, पर द्रौपदी एक बात मेरी आज कानों में डाल कर रखना, मैं नहीं बचा पाऊंगा, गुरु नहीं बचा पाएगा, संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा पाएगा, सभा में बैठे हुए कोई तुझे नहीं बचा पाएंगे, पर गुरु ने कहा जो मैंने तेरे कानों में शब्द दिया था, मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर, वो तुझे बचा कर ले जाएगा, वो तुझे बचा सकता है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आप इस जितने रोड पर बैठे हुए हैं, जितने बाहर बैठे हुए हैं, जितनी दुकानों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर, दीवालों पर, ट्रैक्टरों पर, टैंकरों पर, जहाँ जहाँ तुम लोग चढ़कर बैठे हो वहीं से बोलो अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो ये गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है, कोई तुम्हारे दुख की घड़ी में नहीं आएगा, ये अंदाजा छोड़ देना कि सीओर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में सीओर वाला महाराज कभी नहीं आएगा। पर एक बात याद रखना, दुख की घड़ी में सीओर वाला महाराज नहीं आएगा, पर सीओर वाला महाराज की जो तुमने बात मानी है, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र चढ़ाई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, वो तुम्हारे सामने जरूर, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ देगा, ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ दे जाएगा, केवल वही आता है, केवल। प्राण उसने दिए हैं,
शरीर भले माँ बाप ने दिया है पर प्राण उसने दिया है। जिसने प्राण दिए हैं उस प्राण की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, प्राण की रक्षा के लिए जिसने प्राण दिए हैं उस प्राणनाथ को पुकारोगे तो वो प्राण की रक्षा के लिए आपके नजदीक में आकर खड़ा जरूर होगा, वो आएगा। सबसे रिश्ता बनाना पड़ता है पर परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं बनता। राजा जनक जी का एक संवाद आप लोगों ने श्रवण कर रखा होगा, शिव महापुराण में हम वर्णन करें राजा जनक का एक बड़ा सुंदर संवाद है कि राजा जनक ने याज्ञवल्क ऋषि से एक प्रश्न किया। बहुत सावधानी से आज की कथा सुनना क्योंकि विराम दिवस की कथा है। इसमें से कोई निकल कर भी जाए तो उसके पांव पड़ लो, 2 घंटे की कथा, बैठ जाओ, हमें सुनने दो, हमें केवल सुनना है। कुछ नहीं चाहिए बाकी का, कथा का रस तत्व लेकर चलो। हम तो आपको ना लड्डू दे सकते हैं, ना पेड़ा दे सकते हैं, ना तुम्हारे लिए कोई गाड़ी लगा सकते हैं, ना घोड़ा लगा सकते हैं। हम तो केवल ये कथा बाँचने का बाबा की कृपा से बाँच रहे हैं, वो बचवा रहा है, हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं। सरकार ने बुला लिया, महाराज जी ने, हनुमान जी ने महाराज जी को प्रेरणा दी, उन्होंने ये कथा करवाई। आज पूरा ददरहुआ धाम में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पब्लिक ना भरी पड़ी है, भक्त नाम पूरी रात से लगातार गाड़ियां भरा भरा कर आप लोग आ रहे हैं, पूरी रात हो गई है, पूरी रात। इसी पंडाल का एक वीडियो पूरे सदूर चल रहा है, एक व्यक्ति पंडाल की ये ऊपर की बाउंड्री पे जो लड़के बैठे हैं इसी बाउंड्री पर वो अपनी चद्दर बांधकर सो गया, जगह नहीं मिली तो, और रात भर भगवान की कथा के लिए इंतजार करता रहा रात भर। अब जरा विचार करिए, तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम उसका इंतजार कर रहे हो, अपने दुख को सुनाने के लिए आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, तो क्या मेरा बाबा तुम्हारे दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? राजा जनक जी ने याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न किया, याज्ञवल्क बाबा से प्रश्न राजा जनक जी ने कर दिया। मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? ये राजा जनक जी ने याज्ञवल्क बाबा से प्रश्न किया कि मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है। तो राजा जनक जी ने कहा सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र की रोशनी भी अगर बादलों में ढक गई, तारों में ढक गई, तो फिर किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क बाबा ने कहा कि अगर कोई घने जंगल में चले गया, चंद्र भी ढक गया, तब वो श्रवण की रोशनी से देखता। जैसे पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो तो कहीं से आवाज आती है तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है, कहीं किसी ने ताली बजाई अंधेरे में तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है, कुछ नहीं दिख रहा तब किसी ने चुटकी बजा दी तो व्यक्ति की दृष्टि वहां चली गई। याज्ञवल्क बाबा ने पहले कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र की रोशनी से देखता है, चंद्र भी अगर डूब जाए तो श्रवण की रोशनी से देखता है। और अगर यज्ञवल्क बाबा से राजा जनक जी ने कहा मान लो कहीं श्रवण भी ना हो, सुनाई भी ना दे, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? तो यज्ञवल्क बाबा ने कहा
प्रत्येक मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वयं शिव समाया हुआ होता है, वो शंकर खुद रोशनी देता है। भारत की भूमि पे के ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करा। राजा जनक जी शिव जी का रोज अभिषेक करते थे, राजा दशरथ जी शंकर भगवान का रोज अभिषेक करते थे। आप खुद रामचरितमानस को अपने घर पर जाकर पढ़ना। जब केकई ने वर मांगा 14 वर्ष के लिए राम वन जाने लगे, तब दशरथ जी की आंख में आंसू थे, तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया था कि शंभु आप पधारो, मेरे दुख का निवारण करिए। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव का अभिषेक जो करता है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज दूध दही शहद घी लेकर मंदिर में जाओ। जो प्रतिदिन रोज शिव का अभिषेक करता है, अभिषेक का मतलब तो ये भी होता है कि दूध दही शहद ले जाने से अभिषेक की मूलता नहीं है। अभिषेक का मतलब ये भी है कि आप अपने घर से अगर एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो भी अभिषेक से कम नहीं है। प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है, वो प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है। शिव के मंदिर तक जाना, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचना, भगवान शिव के द्वार तक जाना, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचना। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो, एक ध्यान लगाइए, मान लो अगर आप शिव के मंदिर तक लोटा लेकर जल लेकर नहीं भी पहुंचे, लोटा भर जल लेकर आप शंकर के मंदिर नहीं भी पहुंचे, मान लो शिव के मंदिर आप लोटा भर के जल लेकर नहीं पहुंचे, केवल शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर उसको नमन करते हुए, नमन भी नहीं करा, शीश झुका लिया, शीश भी नहीं झुकाया, शिखर को देख लिया, शिखर भी ना देखा, उसके दरवाजे से मुस्कुराकर चले गए, तो वो भी अभिषेक ही है, वो भी अभिषेक। परसों की कथा में अपन ने श्रवण करा था, एक मछली आई, रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती है। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राजपद मिले। तो हनुमान जी के शरीर का पसीना उस मछली को दे दिया और मछली का गर्भ ठहर गया था और मकर ध्वज उत्पन्न हो गया। एक बार हनुमान जी महाराज के पोते अब हनुमान जी महाराज के पोते मोरध्वज, मकर ध्वज का बेटा, हनुमान जी महाराज के पोते ने एक बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया था। और जितने बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते हैं। मोरध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा। एक दिन मोरध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर लिया था, मकर ध्वज के बेटे ने,
मौरध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मौरध्वज ने मकरध्वज से कहा, पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मौरध्वज पूछ कर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मौरध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते हैं, भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। मौरध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते 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 मौरध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मौरध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया और उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी परदादी हैं जिनके पास में मैं पहुंचा हूं। पर अंजना माता ने मौरध्वज को पहचान लिया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उसका स्वरूप। मेरी जीजियों, आज भी दूल्हा दुल्हन के सिर पे मोड़ बांधा जाता है। आपके इधर बांधते कि नहीं बांधते वो हमको नहीं मालूम, बांधते हैं इधर पर, वो दूल्हे के सिर पर भी बांधते हैं और दुल्हन के सिर पर भी बांधते। ये मोड़ जो दूल्हा दुल्हन के सिर पर बांधा जाता है, इस मोड़ का मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब शादी होने के बाद एक अलग से मोड़ आने वाला है और उस मोड़ के आने पर तुम संभल कर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। हमारे यहां मोड़ का विसर्जन भी बड़े अच्छे से करा जाता है। किसी कुएं में या खड्डे में मोड़ को नहीं डाला जाता, पवित्र नदी के अंदर मोड़ का विसर्जन किया जाता है। हमको तो लगता है, यहाँ के लोग तो, मुझे लगता है कि आप, आपके नज़दीक की जो पवित्र नदी हो आप लोग उसी में विसर्जन करते हैं, जैसे चंबल माता में ले जाकर विसर्जन कर देते होंगे। करते हैं आप लोग, जाते हो मोड़ विसर्जन करने के लिए? तो दूल्हा दुल्हन के सिर पर मोड़ बांधा जाता है जो हमारी एक जिंदगी में भी अविरलता का मोड़ उत्पन्न कर देता है, सुख अनुभव करा देता है। और मोड़ का काम क्या है कि वो विजेता भी देता है। अब मकरध्वज का पुत्र मौरध्वज, मौरध्वज ने हनुमान जी को ढूंढना चाहा, नहीं मिले। ढूंढते 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 मौरध्वज आखिरी में माता अंजना के पास पहुंच गए। पर दादी थी अंजना माता, पर दादी। पूछा, दादी माँ, ए दादी माँ, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। माँ, ए दादी माँ, दादी माँ। तुरंत अंजना माता ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? मुझे श्री हनुमान जी महाराज, मेरे दादाजी का दर्शन करना है। जैसे ही मौरध्वज के मुंह से सुना कि दादाजी का दर्शन करना है, तू दादा कैसे कह सकता है? कहा, मैं मकरध्वज का बेटा हूं और मकरध्वज के पिता हनुमान जी हैं। अंजना माता ने कहा, तो फिर तेरे पिताजी की माता मैं हूं। क्या चाहता है बोल, मुझे मेरे दादाजी का दर्शन करना है। शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की प्रत्येक दादी अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। ये अंजना माता ने अपने पोते को संस्कार दिए थे, पर पोते को संस्कार दिए थे, तो आज भी दादियां अपने अपने पोते को संस्कार देती है। एक माँ भले बच्चे को कुछ भी सिखा दे, एक पिता भले अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे, पर जो घर की बुजुर्ग दादी होती है, जो घर की बूढ़ी माँ होती है, वो बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। और निवेदन है आपसे, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ,
बच्चों को प्रॉपर्टी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चों को संस्कार जरूर दिलाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके, तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके, तुम्हारी जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न हो सके, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके, तुम्हारे जीवन में एक आनंद का प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो सके। क्यों? ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां पीछे की एलईडियां चालू करिए, ये धन, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सब तुम्हारा छूट जाना है। शंभु 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 शंभु, शंभो शरणे मांगो घड़ी ले घड़ी दुख काटो, दया कर दर्शन हो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी न दर्शन। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, ये तुम्हारे काम आए ना आए, पर इतना जरूर ध्यान रखना, अपने बच्चों में जो तुम संस्कार दोगे वो संस्कार तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे काम आएंगे, ये निश्चित है, आखिरी तक चलने वाला वो संस्कार अपने बच्चों को दो, आखिरी तक चलने वाला अंत तक। जो जिंदगी की सार्थक तक सिद्ध कर दे, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव भीतर जो परमात्मा समाहित है, भीतर जो शिव तत्व आपके समाहित है, उससे वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ज़्यादा बीमारी हो जाती है वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, और वेंटिलेटर पर पटकने के बाद फिर डॉक्टर एक बात कह देता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बोलो री जी जी, सही बात है ना? डॉक्टर क्या कहता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, सारी कोशिश हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, पर अब जो है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब किसके हाथ में है, अब उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर जो बैठा है वो अलग से इलाज कर देता है, और कैसे इलाज करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ पाता, वो निहाल कर देता, एक और बैठा। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए, उसको जानने के नेत्र चाहिए आपको। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाहर।
खड़ा हूँ बाहें पसार अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही उठा। जिस दिन हम जान गए शिव तत्व को पहचान गए, देखो आज के जमाने में आदमी कायदे के व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखता। जो तुमको कायदा बताए, जो तुमको सही ढंग बताए, जो तुम्हें सही तरह से जीना सिखाए, जो तुम्हें सही मार्ग बताए, जो तुम्हें सत मार्ग की ओर लेकर जाए, आज के जमाने के व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगता। आज के जमाने का व्यक्ति कायदे के व्यक्ति को साथ नहीं रखता, फायदे के व्यक्ति को साथ रखता है। कौन से व्यक्ति को साथ रखता है? जम जम के बोलो जरा। फायदे वाला व्यक्ति। किस व्यक्ति से हमको कितना फायदा मिल रहा है, इसने मेरे लिए क्या करा, मतलब मेरे लिए फायदेमंद है तो इसको रख लो, ये मेरा काम संभाल रहा है तो इसको रख लो, इसने ये काम करा तो इसको रख लो, इसने ये किया तो इसको रख लो। कायदे का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, फायदे का व्यक्ति सबको पसंद आता है। और वो फायदे का व्यक्ति एक दिन ऐसी चोट करके जाता है कि दूसरी बार तुम उसका मुंडा नहीं देखते। कोई लोग बात करते हुए जा रहे थे, कायरी जा ददरुआ दाम में इतनी भीड़ काय आ गई। कछु मिल रहा है का? तो एक छोटा सा लड़का पास में से निकल कर जा रहा था, वो कह रहा था यहां कुछ नहीं मिल रहा, तुम ये मत सोचो कि यहाँ कोई फायदे की चीज मिलेगी। उस बच्चे ने कहा यहाँ केवल एक कायदे की चीज मिलेगी कि तुम्हें जीने का तरीका आ जाए। तुम्हें जीने का तरीका हम भिखारी को रोटी देते हैं, आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? जम के तो बोलो, देते हो? ऐसा कोई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लाखों की संख्या में इस प्रांगण के अंदर ददरुआ धाम में कथा सुन रहे हैं, आप सब भिखारी को रोटी देते हो, किसी को पैसा देते हो, किसी को रोटी देते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भिखारी को रोटी दो मना नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, भिखारी को भोजन दो मना नहीं है, पर भिखारी को रोटी खिलाने की जगह रोटी खिलाओ मना नहीं है, पर उसको रोटी कमाने का तरीका भी दो, उसको कुछ अच्छा कहने का तरीका दो। वो आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुमने रोटी निकाली और दे दिया, फिर आया मांगने, तुमने फिर रोटी निकाली दे दिया, उसको कहो शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, चल मैं किसी दुकान पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी पेट्रोल पंप पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी आश्रम में तू झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकान साफ करना, आश्रम के जितने कमरे उसमें सफाई करना, चल मैं तुझे काम में लगा देता हूँ। तू रोटी मांग रहा है, हर व्यक्ति आज के भिखारी को रोटी भी देना पसंद करता है, पैसा भी देना पसंद करता है, और भिखारी भी ऐसा हो गया कि वो रोटी और पैसा लेना पसंद करता है, पर
कायदे से जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता, उसको फायदा दिखता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सार्थक। ना ना ना, फायदे में तुम अगर फायदा देख कर चलोगे तो एक दिन घाटा खा जाओगे। ये बड़े बड़े घाटे लोगों को लगते काय के लिए, नई नई कंपनी आती है, कंपनी आकर कहती है 50,000 रुपये जमा करो, 2 लाख रुपये लेके जाओ, फायदा दिखाते हैं और लेके भाग जाते हैं। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी होगी जिनने, कई बिचारियों ने कहीं कहीं कोई ना कोई कंपनी में 100-150-50 रुपये इकट्ठे करके, कजन कौन कौन सी कंपनी हमें तो नाम भी नहीं मालूम दादा, वो इकट्ठी कर करके रख लेते हैं, तुम लालच में दे देती हो, इतना ब्याज मिल रहा है, दुगना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अगर दुगना होता तो वो तुम्हें क्यों देता, खुद ही नहीं दुगना कर लेता, पर तुम्हारे पैसे लेकर वो तुम्हें दुगना दुगना करने का 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना तुम्हें सहयोग करता है। उसके बाद में जब तुमने सब दूर प्रचार कर दिया, ढेरों पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया और उस पैसे को लेकर वो चला जाता, उस धन को लेकर वो चला जाता, उस संपदा को लेकर वो चला जाता, चले गया वो धन लेकर, चले गया वो पैसा लेकर, चले गया वो संपदा लेकर, चले गया। फायदा देखा ना तुमने, कायदे का आदमी नहीं ढूंढा, तुमने फायदा देखा कि दुगना हो रहा। और एक व्यक्ति था तुम्हारे पास में, वो कह रहा था देखो जी जी मेहनत करो, थोड़ी सिलाई मशीन ले लो, अपना खुद का शोरूम डाल लो, तुम्हारा काम कर लो, तुम्हारा ये काम कर लो, मेहंदी का काम अच्छा है तो मेहंदी का काम कर लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर लो, तुम चोली अच्छी सिलो तो चोली का काम सीख लो, तुम अगर लहंगा अच्छा सिलो तो लहंगे का काम कर लो, चप्पल अच्छी बना सकते हो तो चप्पल का काम सीख लो, कढ़ाई अच्छी आती हो तो कढ़ाई का काम सीख लो। एक व्यक्ति कह रहा है अपने पैसे को खुद पर खर्च करो, खुद इतनी मेहनत करो कि 4 चांद लग जाए, तुम्हारा धन तुम्हारा सामान तुम्हारे पास में रहना चाहिए, पर तुमने फायदा देखा, यहाँ से फायदा ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा होगा, और फायदे के चक्कर में मालूम पड़े सब नष्ट हो गया। इसलिए शिव पुराण कहती है कायदे का व्यक्ति ढूंढना, फायदे का व्यक्ति मत ढूंढना, कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। यदि कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा, कायदे का व्यक्ति ढूंढिए, फायदे का नहीं। हम देखते हैं कि हमारी फायदा कहाँ से हो सकता है, कहाँ से 500 रुपये आ सकते हैं, कहाँ से 1,000 रुपये आ सकते हैं, कहाँ से 10,000 आ सकता है, कहाँ से 25,000 आ सकता है। हम फायदा ना देखें, हम कायदा देखें कि हमारी भक्ति में वो बल बढ़ जाए, हमारे भजन में वो बल बढ़ जाए। जैसे मीरा करमा नरसिंह मेहता नामदेव ध्रुव प्रहलाद इनकी भक्ति में जो बल बढ़ गया था, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना चाहिए, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़। अब ढूंढो, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर ने मृत्यु मांगी भगवान से, मृत्यु, और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। थोड़ा इधर घुमा दो, मृत्यु मांगी, और तारकासुर ने मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। उन्होंने और मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों शंकर जी के पुत्र द्वारा, क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है। सरल है शंकर, अड़भंगे हैं शंकर, सहज हैं शंकर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सरल। मांगा, और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए, शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए उनके और शादी होगी बच्चा होगा,
वो चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो ये विश्वास मानकर चलना इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता। उसने मांगा इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ, उन्होंने मांगा इसलिए विवाह संपन्न हुआ, इसलिए विवाह संपन्न, उन्होंने मांगा इसलिए वो मिला। वो मांगते नहीं तो ये कार्तिकेय आता भी नहीं, ये गणेश जी आते भी नहीं। महाराज तारकासुर के प्राण चले गए, तारकासुर के तीन बेटे थे तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की, तीनों ने तीन पुरियां बसा ली थी और उन तीन पुरियों के राजा बनकर बैठ गए थे। किसी देवता से उनकी पुरियां भस्म नहीं हुई। पुरी का मतलब होता है नगर, शहर, प्रदेश, जैसे हम कहते हैं ना जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ऐसी पुरियां, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, ऐसी पूरे पूरा पूरा क्षेत्र, अपना नगर, अपना शहर बसा लिया। अब जब तारकासुर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पुरियों का निर्माण कर लिया, एक बेटे ने मांगा मुझे सोने की पुरी बनाओ, सोने का नगर, एक ने मांगा मुझे चांदी का नगर बसाओ, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर बसाओ, तीन नगर बस गए, बड़े बड़े नगर, उपद्रव चालू कर दिया। जब व्यक्ति बहुत संपदावान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है, अपना है क्या। आज अगर ददरुआ धाम में इतना विशाल विशाल आयोजन अगर हो रहा है, ददरुआ धाम में इतना विशाल विशाल कथाएं हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, भोजन चल रहा है, लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब वो श्री हनुमान जी महाराज की है जिन्होंने संसारवासी को सब कुछ उनका। और इस ददरुआ धाम में विराजमान होने वाले चाहे महाराज जी के गुरु जी हों, जिनका ये वर्ष चल रहा है, जिसका ये आयोजन चल रहा है, सीएपीए उत्सव चल रहा है, चाहे महाराज जी हों, चाहे उनके दादा गुरु हों, चाहे उनके गुरु हों, जिन्होंने भजन किया, भक्ति करी, उसका फल है, उसका फल। हमने पहले दिन की कथा जब चालू करी थी तो हमने श्री अखिलेश तिवारी जी जो यहाँ के यजमान बने हैं गुरु जी के कृपा पात्र, तो हमने उनसे कहा था शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए लोग महाराज जी 2027 तक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, ये तो महाराज जी की कृपा थी जो अखिलेश तिवारी जी आपको ये यजमान पद मिला, ये गुरु की कृपा हुई तो मिल गया, गुरु की कृपा। कहीं प्रभु कृपा करता है तो होता है। महाराज 2027-2028 तक के लाइन लगी हुई है शिव महापुराण की, केवल कथा का रस तत्व ग्रहण करने के, केवल शिव की भक्ति और कुछ भी नहीं।
क्यों लाइन लगी है, ये 2026-2027 तक कौन कौन लाइन लगा कर खड़ा हुआ है, कोई दूसरे लाइन नहीं लगाते। आप लोग जो शिव पुराण की कथा में कथा सुनने आते हो, आखिरी दिन बाबा से कहकर जाते हो, बाबा इतनी झोली भरना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा करवाऊं, वो लाइन लगा। यहां जितने कथा सुनने के लिए आए और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कथा के विराम के दिन पंडाल में बैठकर तुम जो कहकर जाते हो, बाबा वो देता है, उसमें कमी नहीं रखता, वो देता है। आप दिल से कहकर जाते हो, इसलिए तो 2027 तक कथा की लाइन लगी हुई है। कहकर अब लोगों ने 2027 की, तो कह जब तक बाबा मेरे को देगा, ये मेरा विश्वास करता है, कथा दीजिए आप मुझे, मेरा बाबा मुझे 2026 में देगा, मुझे 2027 में देगा, ये विश्वास दृढ़ी हुआ है। मैं आपसे भी कहकर जाऊंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से, ददरुआ धाम सरकार के माध्यम से कहकर जाऊंगा, बाबा से कहकर जाना, बाबा इतना देना कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार यजमान बनूं और शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ये तुम कृपा करो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आप जितना उसका भजन करोगे वो आपके सामने, वो आपके सम्मुख में। कई लोगों को गलत फहमी हो जाती है, कई बार प्रशासन को भी ऐसा हो जाता है कि आखिरी दिन की कथा सुबह 9 बजे है, 8 बजे है, इतनी जल्दी कौन आएगा, कौन पहुंचेगा। पर जब भक्तों का आना चालू होता है तो प्रशासन भी कहता है कि इतनी सुबह से इतने सारे कैसे आ गए, उनको भी लगता है कहाँ से आए। हम कहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य कथा सुनने के लिए कभी शिव पुराण में नहीं जाता। माली अपनी टोकनी में वही फूल रखता है जो माली को अच्छा लगता है, हम बेलपत्र वही तोड़ कर रखते हैं जो अच्छी होती है। बोलो सही है कि गलत है? जब हम अपनी झोली में बेलपत्र अच्छी रखते हैं, फूल अच्छा रखते हैं, तो मेरे महादेव भी अपनी कथा में अच्छे अच्छे फूल लेकर आता है, कोई साधारण नहीं है। तुम सब श्रेष्ठ फूल हो जो मेरे शिव ने अपने करीब में रखाया, मेरे शंकर अपने पास रखे। तारकासुर के 3 बेटों ने 3 पुरियां बनाई, 3 पुरी का राज्य स्थापित करा, धन आ गया, वैभव आ गया, सत्ता आ गई। तो बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारी सत्ता आने पर क्रोध करा, अपशब्द कहा, ताने दिए, लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। बहुत अपशब्द, बहुत ताने, बहुत आड़ा तड़क। मैं इस भिंड जिले की ददरुआ क्षेत्र में जितनी पुलिस बल लगी है और जितने यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, टीआई, कांस्टेबल, जितने भी लगे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली, 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली कि किसी व्यक्ति से कोई अपशब्द नहीं, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं, कोई ताना नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई फालतू बात।
और अपने दिल पर हाथ रख कर देखना आप, और कथाओं का स्मरण करना, उस कथा में आपको टेंशन रह सकता है, बहुत चिंता रह सकती है, दिन भर खड़े रहना पड़ सकता हो, पर शंकर की कथा में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलमस्त होकर जहां जगह मिले आप भी कथा सुन सकते, आप भी कथा सुनो। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहते हैं कि आपको खड़े रहने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप तो कथा का लाभ ले लो, ड्यूटी हो रही है अपनी जगह पर, सब चलता है, पर भगवान की यह कथा बार बार नहीं मिली और बहुत अच्छे से संभाला आपने। शिव के रूप में हमने कई बार कहा है, प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस कर्मी हो वो भी एक शंकर का स्वरूप है, और डॉक्टर है वो भी शंकर का एक स्वरूप है, जो कहीं ना कहीं आकर संभाल लेता है, वो संभाल अच्छे से कार्य संभाल। आप शिव भक्ति को करो, शिव आपको टेंशन से मुक्त कर देता है। आप में से जितने लोग भी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं ना, जब से आपने जल चढ़ाना चालू करा है उसके पहले के दिन निकालना, और जब से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके दिन निकालना। पहले जब जल चढ़ाते नहीं थे, जब मंदिर नहीं जाते थे, शंकर के मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे, वो दिन निकाल कर देखना कितने टेंशन के दिन निकलते थे। रोज कुछ ना कुछ विवाद, क्लेश, अपशब्द, कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। जब से महादेव को आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके बाद के दिन निकाल कर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जीवन क्या है, आपका जीवन क्या है, आपको मालूम पड़ेगा कि शिव को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर के मंदिर जाने का लाभ क्या है, शिव की स्तुति करने का लाभ क्या है, शंकर का गुणगान करने का लाभ क्या है, शंकर की भक्ति में डूबने का लाभ क्या है, शंकर की शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का लाभ क्या है। उसका एक तत्व आपके भीतर समाहित होगा। महाराज, तारकासुर के तीनों पुत्र अहम में डूब गए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में समाहित हो गए। अहंकार से परे हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो अहंकार, जितना अहम छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो। अहम क्या है? कौशल्या मैया के पास में राम जी महाराज आकर बैठे, माता कौशल्या ने गले से राम जी को लगाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तूने रावण को मार दिया। माता कौशल्या राम जी से कह रही है, मेरे बेटे राम ने रावण को मार दिया, लंकेश को मार दिया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा मां, मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी? मैंने रावण को नहीं मारा मां, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। माँ पूछती है, अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बातें राम? राम कहते हैं, माँ राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं मतलब अहंकार, अहंकार ने रावण को मार दिया। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ। शिव महापुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तुमरुका जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देव अधिदेव महादेव ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बनाऊं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे, ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा, तुम रुका जी मैं यजमान बनाऊं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो।
तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, शिव महापुराण की कथा मैं बांध सकूं ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है, कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांध सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांध सकता। शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा, कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी कहने लगे, फिर सुनेगा कौन? तुमरुका जी कहते, कथा आपको सुनना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो वेधव्य है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे भी आप, सुनोगे भी आप और बांचोगे भी आप, कोई दूसरा नहीं बांच सकता। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कराने वाला भी शंकर है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। आप ये छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हो? कई माताएं बड़े गुस्से में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए सब काम हो रहा है। जिस दिन मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, बहुत अकड़ में कहती हैं, वो तो मैं हूं ना इसलिए ये दिवाली पे गुजिया पपड़िया बन रहा है। जिस दिन मैं मर गई ना, उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी तुमसे ऐसा कहे उससे कहो आधे घंटे मरी जा, आधा घंटा मर। एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते थे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरु जी आ गए, उन गुरु जी ने सेठ जी से कहा, काहे को मेरा मेरा करते रहते हो, मेरा परिवार मेरा परिवार, मेरा घर मेरा परिवार, मेरा दुकान मेरी सत्ता मेरा वैभव, मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा। क्या तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? हाँ, मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। गुरु जी ने कर ले, ये एक काम कर कि तू आधे घंटे के लिए पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तू मर गया, मैं भी तो देखूं कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले, गुरु जी क्यों फालतू की बात करते हो, जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरु जी बोले, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा। मेरा बेटा एक मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वह मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले, मैं सब देख लूंगा, तू तो मर, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा ले ले, तू मर। उसने कहा, अगर कुछ हुआ? गुरुजी बोले, मर तो बस पानी पीते पीते लुढ़क जा। कितनी देर तक मरूं? बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा, ये मर गया। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक उठना मत ही, आओ देख लेना गुरुजी, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले, मेरी गारंटी तुम मर। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया, सांस रोक ली, डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपये दिए और कहा, बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिया और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धाड़ धाड़ के रोने लगी, पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई, रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो आवाज तक नहीं आई, खूब डिजाइन में रो रही। गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्या हुआ? सेठानी बोले, मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले, मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी। इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी उठने वाले थे, कल तो कह रही थी तुम जवान दिखते हो, क्या कह रही उम्र हो गई। इतने में गुरु जी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा।
पिताजी चले गए, बताया नहीं। इतने में गुरु जी ने बोला, ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। इतने में रोते रोते बोले, पापा तो कह रहे थे अब दुकान तुझे ही संभालना। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादा चले गए तो तू क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी कौन लाए, तो तू क्यों रो रहा है? ले बूटी तू खा, तू मर जाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा बच्चा गुरुजी के कंधे पर हाथ डालकर बोला, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। अब गुरुजी को खवा रहा है। अरे वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी, कौन किसका है संसार में? कोई किसी का नहीं। हमको लगता है ये मेरे। अरे भगवान राम से कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को मारा? राम जी कहते मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने मारा। भगवान का कहने का मतलब है राम रावण को नहीं मारे। रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो अभिमत्ता थी, रावण के भीतर जो मैं था, हर कवि चिल्ला चिल्ला के कहता फिरता था, मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। ऐसे कई लोग होते हैं तुरंत अपना परिचय दे देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। किसी सतगुरु के पास जाना, जिसको धन की जरूरत है उसके पास जाओ तो अपनी प्रतिष्ठा बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी सत्ता बताओ, अपनी कुर्सी बताओ। पर जिसको तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, सत्ता की जरूरत नहीं, उसके पास जाकर अगर मिलना तो कभी मत कहना कि तुम्हारे पास में कौन सी सत्ता है, कौन सा वैभव है। वहां जाकर कहना कि बस कथा सुनने आया हूं, बहुत सुना था महादेव की कथा का लाभ, इसलिए उसके चरणों में बैठकर श्रवण करने आया हूं। मेरी कौन कुर्सी, कौन पद, कौन सत्ता, हमें मतलब नहीं। तुम कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए बैठो, भोलेनाथ जी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए उस कथा को सुनते सुनते, तो जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी राजसिंहासन पर बिठा सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर। भक्ति के बल को बढ़ाना मार। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन तेरे डमरू की धुन सुन मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, मन की बात, बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलना, रोड पर भी जहां लोग खड़े हों वो भी बैठकर बोलें, जहां जगह मिल जाए वहां बैठिएगा और बाबा से प्रार्थना करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से, भाव से, मन से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात अवश्य। बार बार ये कथा नहीं मिलती, कोई योग संजोग से ददरुआ धाम में बाबा ने कथा कराई है। आप दिल से बाबा से प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्तु।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देव अधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं ओगरदानी का संवाद कर रहा तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष विनुमाली कमलाक्ष की ने पुरियों का निर्माण कर लिया पर देवताओं से वो पुरी जलाई नहीं गई। जो उन्होंने नगर बसाया था वो नगर समाप्त करते नहीं बना। और तीनों बड़े चतुर भी थे तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की बड़े चतुर थे। भगवान शंकर की आराधना करना पूजन करना साधना करना उनको मालूम है कि ये भगवान शिव केवल अकेले हैं जो हमारी पुरियों को नष्ट कर सकते हैं हमारे नगर को नष्ट कर सकते हैं। अपना घर अपना परिवार अपना कुल अपना क्षेत्र नष्ट कब होता है जब प्रेशर को जब हम देव अधिदेव महादेव की निंदा कर रहे हो या अपशब्द कर रहे हो। हमने कल भी एक कथा में आपको कहा था कि सब कुछ करना पर शिव की निंदा ना करना और शिव की निंदा ना सुनना ना करना ना सुनना। ना हमें निंदा करना है ना हमें निंदा सुनना। एक माँ ने एक पत्र लिखा देखो कुसुम कुशवा कहीं बैठी हैं कुसुम कुशवा कुसुम कुशवा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो कुसुम कुशवा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बाबा मैं कुसुम कुशवा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी छोटी बहन के यहाँ बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ
सात महीने का गर्भ ठहर गया, सात महीने का गर्भ था। 27/11/2023 अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को आपकी कथा यहाँ 28 तारीख से प्रारंभ हो रही थी। 27 तारीख को मेरी बहन को दर्द उठा, बहुत सालों के बाद बाबा की कृपा से तो बच्चा ठहरा और सातवां महीना उसका चल रहा था। रात को 2 बजे एकदम से उसके पेट में दर्द हुआ, उसे सभी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, उसकी हालत सही नहीं थी। इस कारण हम थक हार कर एक सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको झेल नहीं रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल कमला राजा में उसको भर्ती कराया। वहाँ जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो पता चला कि उसके बच्चादानी फट गई है और जल्दी से ऑपरेशन करके 7 महीने का बच्चा ही गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया, उसकी बच्चादानी को निकालना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था और बच्चादानी भी बाहर निकाली गई और एक बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया 7 महीने का। पर गुरुजी उस बच्चे की हालत 7वें महीने में बहुत खराब, माँ और बेटे दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे और बहन की अच्छी सेहत के लिए मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि 28 तारीख को ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो मैं कथा में जाऊंगी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करूंगी कि मेरी बहन का बच्चा अच्छा रहे, क्योंकि बड़े सालों के बाद हुआ है और तो भी 7वें महीने में हो गया। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। बाबा को विनती कर कथा पूर्ण कर जब जाने लगे तो फोन पर खबर आई कि जो बच्चा था जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था 7 महीने का, वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। जैसे ही मुझे ऐसी खबर लगी, मेरे साथ में मेरी पड़ोसन आई थी, उसने कहा तू क्या हो गया, तू रोने बैठ गई। कहने लगे मैं कथा सुनने आई थी और उसके बाद भी मेरी बहन के बच्चे के लिए मैंने मांगा था कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ है तो कम से कम जिंदा रहे, पर वो 7 महीने का बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है वो, मेरी बहन भी और बच्चा भी चले गए। अब करूँ तो करूँ क्या। उसने कहा कि अपन कथा सुनकर जा रहे हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि खाली कोई नहीं जाता, तो तुझे खाली कैसे भेज सकता है। अपन यहीं पर थोड़ी सी खेत की मिट्टी उठा लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुएं में से पानी की बाल्टी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं। खेत की मिट्टी उठाई, रोड पे से खेत की मिट्टी उठाकर उसकी पूजन करी, बाल्टी भरकर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। आधे घंटे बाद खबर आई कि बच्चे की सांस चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। मैं बाबा को नमन करती हूँ, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शंकर, शिव ओघड़ी है, उसकी भक्ति का जो बल है वो साधारण है। खाली कैसे जाए। एक माँ ने अपना पत्र लिखा, उस पत्र में माँ ने लिखा कि मेरे पति को, नाम है मेरा उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला भगोरा उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला भगोरा उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं टीवी पर, एलईडी पर। उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ था, मैंने अपने जीवन में कई कष्ट झेले। पति की आय बहुत ज़्यादा नहीं थी, 6,000-7,000 रुपये महीना वो कमाते थे, फिर भी उसी में मैंने अपने बेटे को पढ़ाया भी और बाबा को जल चढ़ाना सिखाया भी। गुरुदेव,
मेरा बेटा निशांक विश्वकर्मा कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था पर नौकरी लग नहीं रही थी। फिर किसी के कहने पर मैंने टीवी पर 2022 दिसंबर के महीने से कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव जी। बाबा सही में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, मैं उसका क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा, कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। पर मेरे बाबा ने एक लोटे जल का मंदिर में पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का फल दिया। मेरे बेटा इनकम टैक्स विभाग का ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभु, उसको शिव कहते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप जिस विश्वास से, कोई प्रपंच से नहीं, कोई ढोंग से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, आप अपने विश्वास से शंकर की भक्ति करिए, शिव की आराधना करिए। ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, 100-100, 50-50 रुपए। कई माताएं तो ऐसी गरीब बड़ी आई होंगी जिनके पास आने जाने का भी इतना धन नहीं होगा, इतना पैसा नहीं होगा। पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर है और मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर, मुझे विश्वास है डॉक्टर हनुमान जी पर कि वो आपको खाली नहीं भेजेंगे, भर कर भेजेंगे। खाली नहीं जाओगे, भरोसा प्रबल। महाराज, तारकासुर के तीनों बेटों ने जान लिया शिव की भक्ति करेंगे तो हमारी ये द्वार, हमारी जो पुरियां हैं वो टूटेंगी नहीं, जलेंगी नहीं, भस्म नहीं होंगी। कई लोग आपसे कहेंगे इतने समय से जल चढ़ा रही है, इतने समय से कथा सुन रही है, कुछ मिला? उससे कहना कुछ मिले ना मिले, पर शिव कथा में मेरा दिल लगा रहता है, एक ना एक दिन मेरा महादेव मेरी सुनेगा जरूर। कुछ मिला ना मिला, क्या मिला क्या ना मिला उससे मतलब नहीं। एक महिला यहां बैठी हुई है, उसका पत्र था कि रजस्वला धर्म भी नहीं आता था, रजो धर्म भी नहीं आता था, डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती, नाश्ते की प्लेट भेजी पर नाश्ता नहीं भेजा है। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। मेरा मोबाइल नंबर यह है, रवि दीपा बाथम ग्वालियर लगहेड़ी, क्या है ये? हाँ तुम समझ गए ना, बस ठीक है, ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। महाराज, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं हो सकता था, रजो धर्म नहीं, संतान कैसे होगी? पर वास्तव में शिव शिव है गुरुजी, शंकर शंकर है। सब ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल निकलते चले गए, हमने भी शिव जी को नहीं छोड़ा। आपकी कथा में इतना विश्वास था, शंकर जी को जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, ना रजो धर्म आता पर संतान आप दोगे। बाबा की कृपा से मुझे 7 साल के बाद
पुत्र की प्राप्ति हुई है, शिव कृपा है, ओ घड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर, वो देता जरूर है, क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। क्यों सुने कथा? अभी ये कथा तो ददरुआ धाम में यहाँ आज पूरी हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे, यहाँ 12 बजे पूर्ण हो जाएगी। अगली कथा 5 तारीख से जलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आप लोग देखेंगे। उसके बाद में कथा फिर वहाँ पूर्ण होने के बाद 11 तारीख को वहाँ पूर्ण होगी, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा पूर्ण होगी, 20 तारीख को 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा पंडरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी हरि विट्ठल के चरणों में। तो ये कथाएं तो चलती रहेगी, कोई तुमसे कहे कि तू कथा सुनती है, इतना दिल लगाती है, क्या देगा बाबा, उससे कहना कथा सुनना मेरा काम है, देना और नहीं देना उसका काम है, वो जाने उसका काम जाने, बस अपने अहम से दूर रहकर हम भगवान की भक्ति करें, अहंकार को पटक दो, कहीं चूल्हे के अंदर ले जाकर, अहंकार को एक कोने में ले जाकर छोड़। तारकासुर के तीनों बेटों ने पुरियों को बचाने के लिए भगवान शिव की भक्ति करी, देवता नहीं नष्ट कर सके तीन पुरियों को, सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले बाबा इनकी पुरियों को नष्ट करना है। बाबा ने कहा वो मेरी आराधना करते, मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं। देव ऋषि नारद को भेजा तारकासुर के तीनों बेटों के पास में, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की के पास में। नारद जी प्रतिदिन जाते उनके पास में बैठ जाते और उनसे भगवान शंकर की निंदा करवाना प्रारंभ करा। नारद जी रोज जाते, रोज कुछ ना कुछ कहते और निंदा करवाना प्रारंभ करा। याद रखो जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो वो शंकर की निंदा में लग जाता है। ये कथा तारकासुर के तीन बेटों की कह रही है, ये तारकासुर के तीन बेटों की कथा कह रही है, निंदा में लग। तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहां आए भगवान शंकर का गुणगान करे तो उसको बिठाओ, अगर वो आकर शंकर की निंदा कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदार शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, शिव पुराण की निंदा कर रहे हैं, शिव भक्ति की निंदा कर रहे हैं, उस समय पर वहां से उठकर चले जाओ या हाथ जोड़ लो, तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे नातेदार हो, हमारा तुमसे संबंध है, तुम हमारी बात करो, महादेव की कोई बात नहीं करेंगे, शिव पुराण की कोई बात नहीं करेंगे, शंकर हमारा है, हम शंकर के हैं, बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा, हमें कोई निंदा नहीं, हम नहीं सुन सकते। नारद जी ने तारकासुर के बेटों को निंदा करने में लगा दिया, अब तो तारकासुर के बेटे तीनों निंदा में इतने डूब गए, जितना रस लोगों को कथा में नहीं आता उससे दुगना रस चुगल चोटाई में आता, इतना रस। कौन बा बिमला बाई की छोरी, हो जो निंदा में डूबना प्रारंभ करा, जो डूबना प्रारंभ करा, मालूम पड़े पूरी जिंदगी बेकार कर ली, ना करिए क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कोई कितनी भी तुम्हारी निंदा करे, कितना भी तुमसे बोले, तुम्हारे तुम रोज मंदिर जाओ और कोई कोई तुमसे कह दे ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये चल दी रोज मंदिर, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी करके उसके सामने से निकलो, उतनी जोरदार, वो जले नहीं तो जला और जल ले जा, क्या होगा, चले। तारकासुर के तीन बेटे जैसे ही निंदा में लगे, तीनों एकाग्रित हुए, शंकर भगवान ने तीनों पुरियों को भस्म कर दिया, वर मांगा था एक बाण से तीन पुरियां भस्म होना चाहिए, एक बाण से शंकर भगवान ने तीन पुरियों को भस्म कर दिया, शिवजी का नाम त्रिपुरारी हो गया। तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की को मारने के लिए
33 कोटि देवी देवताओं को शंकर भगवान ने पशु बना दिया, शंकर भगवान उनके पति बन गए, भगवान शंकर पशु के पति बन गए, इसलिए उनका नाम पशुपति नाथ हो गया। भगाते भगाते तीनों को एक जगह इकट्ठा करा, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी को मारते नंदी का रूप लेकर सींग से मारना चाहा, पीछे से कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। जैसे ही पशु बने भगवान शंकर का सिर कटा, सिर जाकर नेपाल में गिर गया, धड़ केदार में गिर गया। धड़ नीचे गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार कर दिया। चारों तरफ से आवाज आ गई, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। एक शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र की कथा है और एक शिव महापुराण में पशुपति व्रत की कथा। जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, अगर दिल से किसी ने पशुपति व्रत करा है तो जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, जो पशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, कृष्ण भगवान के पास था, वो पाशुपत्य अस्त्र जो असर करता है, वही की वही असर पशुपति नाथ का व्रत करता है। जो करता है उसको मिलता है, पशुपति नाथ के व्रत का वो फल मिलता है। अब पशुपति व्रत, मेरा निवेदन है, चाहे माताएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बेटियां हों, बेटे हों, दिल से कर देखो एक बार, दिल से उस व्रत का फल क्या है। एक लड़के को मेरा नाम स्नेह लता देवी, पति का नाम ओपीसर यादव, निवासी बुड़ाना गांव आगरा उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। स्नेह लता देवी, पति का नाम ओपीसर यादव, निवासी बुड़ाना गांव आगरा उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, वास्तव में बाबा बाबा है। मेरा बेटा एसएसबी में पास हो गया था, बेटे का मेडिकल होना था, उसी टाइम बेटे के आँख में फलिश आ गया, उसको लकवा लग गया। अब बेटे ने एसएसबी में पास कर लिया पर उसके चेहरे पर लकवा लग गया और 11 दिन बाद उसका मेडिकल था। गुरुदेव 11 दिन बाद मेडिकल होना था, बड़ा चेहरा काम नहीं कर रहा था, आँख से टेढ़ी हो गई थी, मुख टेढ़ा हो गया था, करता क्या। एमआरआई कराया, सब कुछ कराया, इलाज चालू हुआ, पर 11 दिन में पैरालिसिस कैसे ठीक हो सकता। उस बच्चे ने बेटे ने कहा, माँ मैं क्या करूँ, 11 दिन बाद मेरा मेडिकल है और मुझे पैरालिसिस हो गया है। मेरी बेटी उसी समय पर रात को मुझे फोन कर कहती है, माँ भैया को अगर पहले से सुआ है और उस पास हो गया है, मेडिकल होना है उसका, एक काम करो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उस बेटे तुम्हारे अब मेरे भाई को उसको खिलाना प्रारंभ करो और एक बेलपत्र उसके चेहरे पर लगाओ। मैंने उसके चेहरे के पास में बेलपत्र रख दी गुरुदेव। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे, इलाज 8 दिन तक चला, मेडिकल होना था 11 दिन के अंदर, थोड़े दिन और बचे थे 2-4 दिन, बेटा कैसे ठीक होता। पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, 9 सालों से मेरा बेटा तैयारी कर रहा था, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहले तो मेरे बेटे ने कहा, माँ पशुपति व्रत से कुछ होता है क्या। मैंने शंकर की बेलपत्र उठाकर संकल्प लिया, मैं तेरा पशुपति व्रत चालू कर रही हूँ, मेरा बेटे का मेडिकल पास कर देना, उसका मुँह टेढ़ा हो गया है, तू संभाल लेना। दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो लकवा 11 दिन में ठीक हो सकता है, ये दुनिया का पहला केस है गुरुदेव। एक बेलपत्र के खाने से और शिवजी के चढ़े हुए
जल को मुंह पर लगाने से 11 दिन के बाद मेरा बेटा मेडिकल कराने गया तो मेडिकल में पास हो गया, उसका चेहरा भी सही हो गया। ये दुनिया का पहला पत्र शिव तत्व ओघड़ी है शंभु शंकर। मेरा बेटा जिसको कहता था मां इससे कुछ नहीं होता, अब मेरा बेटा खुद पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा। मेरा बेटा स्वयं पशुपति व्रत क्या है ये दुनिया के लोग जब समझेंगे। आज के जमाने में तो पशुपति व्रत को लोग समझते नहीं हैं, उन्होंने कह दिया सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ व्रत है। लोग सोचते हैं कि सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, पर उनसे निवेदन करेंगे पहले शिव महापुराण में एक बार पशुपति व्रत और पशुपति अस्त्र को पढ़ो। पशुपति व्रत को भी पढ़ो, पशुपति अस्त्र को भी पढ़ो। जो पशुपति अस्त्र जो काम करता है वही काम पशुपति व्रत करता है। भाई कितने व्रत होते हैं जम के बोलो जरा। 5 व्रत पशुपति के होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। घर में मीठे का प्रसाद बनता है। पूजा की थाली जो सुबह जाती है मंदिर में वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं? 6। जलाते कितने हैं? 5। कब जलाते हैं? जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया, 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा थाली में वापस लिया। वो दिया जिसको जलाया नहीं है प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है आप स्वीकार करना। बाबा दिल से कर रही हूँ मेरे बाबा, बार बार नहीं कह सकती मेरी ये चिंता है, इसको हर लेना। प्रार्थना करो, एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे करना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाए व्रत छोड़ दो, आकर करो। तुम्हारे यहाँ शादी फंक्शन आ गया छोड़ दो, बाद में कर लो। कहीं तुम्हारे यहाँ कोई तीज त्यौहार आ गया, कोई व्रत पड़ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो वो व्रत करना जरूरी है, तो पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। गिनाई में 5 ही आएंगे। रजो धर्म आ गया, रजस्वला हो गए, व्रत छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। किसी के यहाँ का उस व्रत का नियम रहता है कि उस दिन जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है अगर मायके में भी कर रहे हो तो मायके का सामान अगर ले रहे हो तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए इस व्रत का नियम है कि उस दिन किसी के यहाँ का ना तो पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाकर मुँह झूठा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने व्रत करा हमें फल नहीं मिला। तुम अंदाजा लगा कर बैठो, पशुपति व्रत का नियम है। मायके में अगर कर रहे हो तो मायके में पैसे देना पड़ता है। मायके में अगर भोजन कर रहे हो पशुपति व्रत वाले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अपने पैसे से पूजन करो, अपने पैसे से उसका फल मिले। तो फिर दूसरे के घर का पानी पी लिया उस पशुपति व्रत वाले दिन, या दूसरे के घर का आपने फलाहार कर लिया या कुछ खा लिया, तो कैसे उसका पुण्य फल मिलेगा महाराज? कैसे पुण्य मिले उसका पुण्य फिर प्राप्त नहीं होगा। पशुपति व्रत का नियम अच्छे से धारण करो, बाबा से प्रार्थना कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जो छठा दिया आप लेकर आते हो उसको घर के दरवाजे पर, घर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अपना सीधा हाथ राइट हैंड जहाँ होता है वहीं पर बैठ जाओ, घर के बाहर घर की ओर मुख करो, 6ठे नंबर का दिया उस दरवाजे के बाहर जला दो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा उद्धार करो, कार्य सफल करो, घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाइए। प्रसाद में नमकीन ना बने इसका ध्यान रखें। जो भगवान को हम प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे वो मीठा ही बनना चाहिए। घर पे जो भोजन करो उसमें तुम नमकीन खा सकते हो, मना नहीं, पर पहले जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो उसे खाना है, फिर भोजन करना है। 5वां व्रत जब हो, उस 5वें व्रत में एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 फूल, पंखड़ी, चावल, मूंग, जो तुम बाबा को 108
दे सकते हो। 108 का मतलब क्या होता है? हम बाबा को 108 चावल का दाना दे रहे हैं या पुष्प दे रहे हैं या पंखड़ी दे रहे हैं या बेलपत्र दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम 108 बार बाबा के नाम का उच्चारण कर कर बाबा को सहस्त्रवाली के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हम अभिषेक नहीं कर पाए, हम आपका अनुष्ठान नहीं कर पाए, हम यज्ञ नहीं कर पाए, हम बहुत बड़ा लोगों का भंडारा नहीं कर पाए, हम 108 फूल की पंखड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा यज्ञ, हमारा उद्यापन आज पूर्ण हो रहा है, बाबा इसको स्वीकार चढ़ाकर फिर वही दिया लेकर अपने एक प्रसाद का हिस्सा लेकर घर आ जाओ। पांचवा व्रत पूर्ण हो, बड़े आनंद के साथ बाबा से विनय करो, 3-4 महीना थोड़ा रुक कर इंतजार करो, मेरा बाबा अगर तुमने दिल से व्रत करा है तो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर है। पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर हो जाता। तारकासुर के 3 बेटों का भगवान ने संहार कर दिया, भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। समय आया, भगवान सुंदर आनंद से देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करा। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली, 5 गाय समुद्र के मंथन में निकली है, 5 सुरभि, सुशीला, बहुला, ये सब 5 गाय मंथन के समय निकलती हैं। और मंथन के समय इन 5 गायों का निकलना अर्थात भगवान शंकर ने जो विष पिया है, उस विष के जलन को, कंठ में पड़े हुए विष के ताप को समाप्त करना, विष की जलन। आप हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो गुणगान करते हैं, ये हमारे भीतर के ताप को, दुख को, विष को समाप्त करता है। हम क्यों कहते हैं कि आप लोग कथा में आए हो, पंडाल में आए हो, या टीवी पर कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, हम क्यों कहते हैं कि जिस समय इस मंत्र का गुणगान किया जाए, साथ में बोलने का मौका मिले और आप बाबा से कहें बाबा मेरे दुख काटो, उस समय पर आप भूमि पर बैठकर बाबा से प्रार्थना कर अपने मन की बात शिव से कह सकते हैं। कभी मेरी जीजियों से निवेदन है, आपको लगता है कभी कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी बीमारी नहीं मिट रही, मेरी तकलीफ नहीं मिट रही, आप जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद कब कब जम के बोलो, जम के बोलो जरा, जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद, 2 क्षण के लिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो 2 क्षण के लिए नंदी के, जहां नंदी शिव जी के सामने बैठता है उसके राइट में, नंदी के राइट में, नंदी के लेफ्ट में नहीं, नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन में हूं, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा, निश्चित है, निश्चित। करता जा वो कहे समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है।
नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी ददरौआ धाम में हो रही कथा का पांचवें दिन का आखिरी भजन, विराम का भजन। इसके बाद जो स्तुति करोगे वो बाबा से दिल से मांगने के लिए, भाव से, दोनों हाथों से। मात्र 3 मिनट में इस भजन को पूर्ण कर दूंगा। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, जितने रोड पर खड़े हैं दोनों हाथों से। चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करना, दिल से विनती करना, झोली पसार कर नमन करना, बाबा से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से कहना, और उच्च स्वर में नाम पुकारते हुए साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते, जहां जगह मिले वहां बैठ जा, पेड़ के नीचे, रोड पर, जमीन पर, जहां दुकान में, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को विराम की ओर लेते हुए बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करिएगा भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी, भगवान शिव की कथा कर। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन जी का वर्णन करा,
कार्तिक जी रूट गए थे, उनको मना कर लाए श्री शैलम के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा महाकाल बनकर, विंध्य पर्वत का उद्धार करा ओमकारेश्वर बनकर, नारनारायण का उद्धार करा केदार बनकर, भीम का संहार करा भीमा शंकर बनकर, मनु शत्रुपा का उद्धार करा विश्वनाथ बनकर, गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष से मुक्त करा त्र्यंबकेश्वर बनकर, रावण के लिए स्थापित एक भूमि पर हो गए वैद्यनाथ बनकर, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा नागेश्वर बनकर, राम जी स्वयं रामेश्वर धाम की स्थापना करे सुंदर आनंद के साथ रामेश्वर के रूप में विराजमान, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो घृष्णेश्वर हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया, भाव से प्रेम से। बाबा भोलेनाथ कहते हैं तुमरुका जी मैं आपको क्या दूं, तुमरुका जी शिव जी की बेलपत्र मांग लेते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है पढ़ता है करता है कराता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लेगा, शिव जी कहते हैं उसके घर को उसकी संपदा को उसको वैभव को मैं स्वयं संभाल लूंगा, उसके आनंद को मैं भर दूंगा। शिव महापुराण की कथा ददरुआ धाम की इस पवित्र भूमि पर श्री हनुमान जी महाराज की साक्षी में जो हो रही थी आज विराम की ओर अभी जाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा महाराज जी को जिन्होंने इतने प्रेम से इस कथा को करवाया। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ये कथा बाँचने का मौका मिला, आप और हमने श्रवण की, भावभक्ति से अपने जीवन को सार्थक किया। कथा के माध्यम से जो आपको दे सकते थे शंकर सुमन शिव महापुराण में से आपने लिया, अपने जीवन में इस कथा को उतारिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। 5 तारीख से फिर मिलेंगे जलगांव की कथा में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। उससे पहले मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा, आप सभी भक्तों का आभार व्यक्त करें और सभी भक्तों को संबोधित करें। पूज्य गुरुदेव उनका सोफा इधर रख दो, बाकी समय बैठे रहना। महाराज जी का सोफा इधर रखवा दो, बाकी के सब लोग वहीं बैठे रहेंगे, महाराज जी के आसपास कोई नहीं बैठेगा। सोफा इधर रखवा दो, कोई भी नहीं आए, बाकी सभी लोग वहीं बैठे रहे, कोई भी उठकर खड़ा नहीं होगा। हाँ इधर और इधर करो, और इधर करो, इधर लाओ, इधर और इधर लाओ, और इधर लाओ, और इधर लाओ। हाँ बस ठीक है, सामने कर दो, सामने कर दो, बस ठीक है, इधर। बाकी के उनके पास कोई ना आए, सभी लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। ये माइक महाराज जी को दो, महाराज जी तो माइक, बाकी के आप लोग बैठ जाइए उधर। आभार व्यक्त करने के लिए और आप सबके बीच में बड़े आनंद के साथ मैं महाराज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, बड़े भाव से ददरुआ धाम की इस पवित्र भूमि से कथा का लाभ लिया उसके लिए। हर हर बोल ददरुआ श्री हनुमान जी महाराज की। चालू करो, चालू है महाराज जी। ददरुआ सरकार की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, हमारे अर्चनीय वंदनीय, हमारे श्री गुरु महाराज महंत बाबा का ये 27वां CAPA मिलन महोत्सव है। इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बड़ी सुंदर शिव कथा की वर्षा हो रही है।
हमारे संत भी हमारे विराजमान हैं, हमारे महाराज जी महामंडलेश्वर जो वो भी विराजमान हैं हमारे, और हमारे सभी संत विराजमान हैं, आपको दिख रहे हैं। हमारे गुरु महाराज बड़े तपस्वी थे, 8 घंटा तपस्या करते थे, उनकी तपस्या का प्रकाश है, तपस्या का प्रकाश है, उनकी तपस्या दिख रही है आपको, उनका प्रभाव है। हम विशेष रूप से कथा के माध्यम से उज्जैन में, वैसे नोएडा में भी गए थे, उज्जैन में जब हम गए तो हाँ उज्जैन अपना आश्रम में महाराज जी को बुलाया, वहाँ हमने अनुरोध किया, प्रार्थना की, हमारे दंडरगुआ हनुमान जी कथा सुनना चाहते हैं। वास्तव में ही महाराज जी के पास समय नहीं था, 27 तक कोई समय नहीं था बिल्कुल, बोले महाराज जी मजबूर हैं। पर हम हमारे राम ने उज्जैन महाकाल पे अर्जी लगाई, चंद्रगुप्त हनुमान जी पर अर्जी लगाई, गुरु महाराज से प्राप्त। तो वास्तव में ही कोई मरीज था, मरीज असाध्य मरीज, अब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर लाइन लगी थी, और उनको असाध्य रोग था, जल्दी दिखवाना था, सबकी इच्छा थी जल्दी दिख जाए, लेकिन डॉक्टर साहब मजबूर थे, लाइन लगी है, कैसे दिखवा सकते। फिर सब जितने भी मरीज थे सब ने डॉक्टर से प्रार्थना की, नहीं नहीं आप इनको देखो पहले, असाध्य है। तो वास्तव में डॉक्टर साहब की इच्छा भी हो रही है, मरीजों की इच्छा भी, तो इसलिए विशेष रूप से ये हमारे क्षेत्र के लोग बहुत मरीज थे, शिव कथा के इच्छुक थे, हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने शहर से ही दतिया में आकर के हमारे गृह मंत्री नरोत्तम स्थान जब कथा कराई तो वहीं घोषणा कर दी थी हम कथा होनी है, हमारा सहर्ष महाराज जी ने नारियल ले लिया, तो ये अपना सौभाग्य है। तो वास्तव में ही हमारे मिश्रा जी इस शिवलोक से ही आए हैं, इस शिवलोक से ही शंकर जी साक्षात इनको भेजा है, ये समाज सुधार के लिए, ये विद्या, ये वास्तव में ही यहाँ जो है बिना गाजस के पावे कोई, बिन सुजस जो होता है तो वास्तव में ही पुण्य से ही होता है। तो बड़े पुण्य प्रभाव के द्वारा ये शिवलोक से ही पधारे हैं, भगवान शंकर ने भेजा है समाज सुधार करो, कोने कोने में सब जगह इनकी आस्था के संस्कार के माध्यम से, पावन जस के पुण्य बिन होई, पावन यश पुण्य के बिना नहीं फैल सकता, बहुत पुरखाओं की तपस्या पुण्य है। हमारे विशेष रूप से हमारी पूरी जनता क्षेत्र की, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध कहो संगन लावे, मनोरंक निधि लूटन लागी, धायरा मैं काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। ऐसे लोग दौड़ पड़े धा पड़े हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति प्रबुद्ध कथा के सुनने के लिए, सारे काम त्याग कर, पाँच दिन हो गए हमारी माता आसन छोड़ी नहीं, यही स्थायी निवास है। तो वास्तव में ही बड़ी सौभाग्य है हमारे यहाँ हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोष्ठस्य भूषणम शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजन। हाथ का भूषण दान है, हाथ का भूषण घड़ी अंगूठी सोने की चुड़ियाँ नहीं है, हाथ का भूषण है दान। कंठ का भूषण सत्य बोलो प्रिय बोलो मधुकर बोलो, और कानों का भूषण
सोष्ठस्मृषणम शास्त्रम, ये शिव कथा कानों का भूषण। हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आपको ये कानों का भूषण पहना दिया। सभी के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास दुकान न हो। दुकान का मतलब दो कान ही दुकान है। तो क्या सुंदर शिव कथा कानों के माध्यम आप सुनिए, आपके सुंदर भूषण लगा दिए हमारे महाराज जी ने, हम इनके ऋणी हैं। व्यर्थ उपकार करो का तोरा, सनम कहोए न सकत मन मोरा, सुन कब तो उर्ण में नाई, देखो कर विचार मन माई। वास्तव में ही ऐसा उपकार शिव कथा का उपकार क्या कर सकते हैं आपकी। तो विशेष हम सब ऋणी हैं आपके। श्री श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई, चलो दंद रहुआ भाई। श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई, चलो दंद रहुआ भाई। श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई, चलो दंद रहुआ भाई, चलो दंद रहुआ भाई। भीड़ लाखों में पाई, श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई, भीड़ लाखों में पाई, चलो दंद रहुआ भाई। भीड़ लाखों में पाई, चलो दंद रहुआ भाई। श्री मिश्रा जी ने कथा सुनाई, चलो दंद रहुआ भाई। वास्तव में इतने लाखों लोग हैं, शांति बनाए रखे, इसलिए बड़ा भारी विशेष महत्व आप लोगों के लिए है। हमारे विशेष रूप से मिश्रा जी ने कर दो शोर पूरे विश्व भारत में, मिश्रा जी ने कर दो शोर पूरे विश्व भारत में, मिश्रा जी ने कर दो शोर पूरे विश्व भारत में। अब को कर है इनकी होड़ पूरे विश्व भारत, अब को कर है इनकी होड़ पूरे विश्व भारत। मिश्रा जी ने कर दो शोर पूरे विश्व भारत, मिश्रा जी ने कर दो शोर पूरे विश्व, सीहर वालों ने कर दो शोर पूरे विश्व भारत। तो वास्तव बड़ी कृपा विशेष है हमारे यहाँ ये कानों का भूषण। हम आकाश से चंद्रमा भांति, पद्मम भांति सरोवरे, सुपुत्र से कुलो भांति, भारते भांति भारत। आकाश चंद्रमा से होती है और सरोवर की शोभा जल से कमल से होती है और कुल की शोभा सुपुत्र से होती है। सुपुत्र बनो तो वास्तव में ही हमारे प्रदीप मिश्रा जी पूरे विश्व के कुलभूषण बने, पूरे विश्व के ही बने। तो विशेष रूप से मैं आशीर्वाद देते हैं, विशेष आशीर्वाद देते हैं इनके लिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, हनुमान जी इन पर कृपा करते रहें और अजर अमर रहें, भक्तों का कथा श्रवण कराते रहें। हम विशेष रूप से संगीत बालक को देते हैं विशेष रूप से। हम विशेष रूप से हमारे परीक्षित जी इस शिव कथा के परीक्षित पुण्यवाणी बन सकते हैं, धर्मात्मा ही बन सकते हैं। चाहे हनुमंत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, पुण्यान्मूलक बन सकते। हमारे अखिलेश तिवारी, साधना तिवारी, उनके छोटे भाई अंशु तिवारी, उनके मित्र उमेश शुक्ला, ये वास्तव में बड़े धर्मात्मा हैं। हमारे यहाँ 12 बरस से जितनी मंदिर में ईंटें लगती हैं, इतनी ईंटें लगती हैं, सब इनके द्वारा आती हैं, सारी ईंट इनके द्वारा। मंदिर चाहे शिव मंदिर बनाओ, चाहे राम मंदिर बनाओ, चाहे कैसे भी मंदिर बनाओ। और एक बार तो 11 लाख रुपए गौशाला के लिए दिए थे, 11 लाख रुपए। तो ये बड़े पुण्यवान धन्यवान है, इनको आशीर्वाद, इनका खजाना भंडार इनका भरा रहे।
अभी हमारे विशेष रूप से उनको आशीर्वाद देते हैं, पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हमारे अखिलेश तिवारी, हमारी साधना तिवारी विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। सभी माता बहनों, ये माता बहनें 5 दिन से स्थायी रूप से विराजमान यहीं लेटती हैं। अच्छी अच्छे घर की माता हैं, घर से कभी निकली नहीं है, कभी इन्हें दुख देखा नहीं है, लेकिन यहाँ शिव कथा के लिए पंडाल में पड़ी नहीं है, पंडाल के और चौरे में ही पड़ी रही है। बहुत दुख है इस बात का, बहुत दुख है, हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। अब हमने कई माताओं ने और हमारे अखिलेश तिवारी जी ने और हमने ये संकल्प किया है माता बहनों के निमित्त अगली वर्ष जब कार्यक्रम होगा 108 कमरे बनवा दिए जाएंगे, शौचालय स्नान कर बनवा दिए जाएंगे। ये विशेष बहुत दुख है, बहुत परेशान है, स्नान को जगह नहीं मिली, नित्य कर्म करने की जगह नहीं मिली, बहुत परेशान हुई हैं बेचारी माताएं और बहुत समय दिया है बराबर ऐसी कोई परेशान नहीं कर पाए। और संकल्प किया है आप लोगों ने अगली वर्ष का जो परसी होगी उसमें आपके लिए बहुत व्यवस्था की जाएगी, विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। सारे पूरे विश्व के यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात सभी प्रांतों के लोग कुछ सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए हम सभी विशेष रूप से हमारे यहाँ हमारे महाराज जी कहा करते थे, वैसे तो एक विशेष रूप से एक बात छोटी सी बताते हैं, समय बहुत हो रहा है। हमारे गुरु महाराज सिद्ध महात्मा थे, हमारे पैर में चोट लग गई एक बार, चोट ऐसी लगी कि बहुत ज़्यादा दर्द था और एड़ी में लगी, तो हमें गुरु महाराज ने बड़े उपाय किए, सिंह ताव लगवाए, ठीक नहीं हुई। एक दिन गुरु महाराज ने कहा बेटा आज दीपावली के बाद प्रतिपदा है, गो पूजन है, आप गो पूजन गो एक गो को रंग दें। तो हमारे राम ने कहा महाराज जी बहुत ग्वार हैं रंगने वाले, हम तो इसको पूज देंगे। नहीं महाराज नहीं, पूजन नहीं, एक गाय को रंगो पहले। जब गाय को हमने रंगा उनकी आज्ञा से, गुरु महाराज की आज्ञा का महत्व तो देखें आप, गुरु महाराज आज्ञा से हमने गाय को रंगा तो हमने सींग नीचे कर दिया गाय का, रंगने लगे ऑटोमेटिक आई ऊपर कर दिए सिंह, जैसे ही ऊपर किया तो हमारे यहाँ आँख के पास में बहुत बड़ी चोट लगी, हम प्रार्थना करने लगे गुरु महाराज अच्छी आज्ञा आपने दी, लेकिन एक लड़का गया गोली लिया खाली, वो दर्द ठीक हुआ और साथ में ये दर्द भी ठीक हो गया। आज 35 वर्ष हो गए दर्द नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया दर्द। गाय के सिंह की गुरु की आज्ञा से गाय का सिंह लगा यहाँ और चोट ठीक ही हुआ, तो वास्तव में ही ये विशेष कृपा है। तो ये वास्तव में हमारे ग्रामवासियों ने, हमारे क्षेत्रवासियों ने तन से मन से धन से ये सहयोग करते हैं। भंडारे की बात विशेष रही, हमारे गुरु महाराज की आज्ञा थी कि बेटा यहाँ से कोई भूखा नहीं जाए, तो गुरु महाराज आज्ञा देते हैं तो सामर्थ्य भी देते हैं, ये गुरुओं की कृपा है, सामर्थ्य देते हैं यहाँ से कोई भूखा न जाए, तो ये अन्नपूर्णा बिरादी है यहाँ, सकल भोजन सकल बनाया गया है। हमारे मिश्रा जी ने कल आपसे कही था यहाँ के भंडार के बारे में, आज वहाँ की कढ़ाई देख लेगी मिश्रा जी जरूर जाएंगे, हमारे भंडार की जो कढ़ाई है 50 मन की है, 50 मन आलू आते हैं इसमें, 30 मन की है, 80 मन आलू 1 घंटे में होते हैं आज वो। तो विशेष रूप से हमारे महाराज जी कहा करते थे शिव जी से सट के और राम नाम जप के और हनुमान जी सारो डट के जो कुछ चाहोगे तो पा जाओगे, बे खटके इधर उधर भटके तो फगत चुटिया फटके। हनुमान जी की कहावत है आप जानते ही हैं, शिव में और हनुमान जी में अंतर नहीं है,
वैसे राम जी हनुमान जी शिव एक हैं, सेवक स्वामी सखा शिव भी गए, शिव से हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव है, तीनों एक हैं। फिर शंकर स्वयं केसरी नंदन, तीनों एक ही हैं, फिर भी जो है वास्तव में ही ये विशेष कृपा आपकी बरस रही है। तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए, भटने की जरूरत नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा आपको बरस रही है और सभी कृपा बरस रही है। और फिर कुछ अभी हमारी माता में उन्होंने शिकायत की थी कि शिवलिंग यहाँ कम है, तो भविष्य में शिवलिंग भी बहुत बना दिए जाएंगे, शिवलिंग भी बहुत ज़्यादा बना देंगे पूजा के लिए। ऐसा हनुमान जी के अंदर कल हनुमान जी ने बताया कि महिला माता बहनों का पल्लू और माता बहनों की चोटी और हनुमान जी की पूंछ, ये शिव की शक्ति है, तीनों शिव शक्ति है, ये तीनों ईश्वर की शक्ति है। माता बहनें पल्लू से झाड़ती हैं, चोटी से झाड़ती हैं, तो वास्तव में ही ये कृपा विशेष है। विशेष रूप से सभी यहाँ व्यवस्था, हमारे यहाँ गायों की व्यवस्था फिर हो रही है, विद्यालय भी चल रहा है, हमारी कृपा से हम सभी लोगों को विशेष आशीर्वाद देते हैं, कृपा बना रखें। और दो शब्द परीक्षित से भी हम बोलते हैं कि दो शब्द आप ही बोल दें, दो शब्द बोल दें आप। आरती का क्रम प्रारंभ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी लोग अपनी जगह खड़े रहेंगे, बड़े भाव से बाबा की आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले आदि महाशिव, हरे नाथ दारा, ओम हरे 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 महादेव, एक आनंद चतुरानन पंचानन नारे, भोले पंचारे नारे, सासन गरुड़ासन विश्वासन साधि, ओ हरे 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 महादेव, दो बुद चार चतुर भुज, दस बुद अति सोहे, तीनों रूप निरखता, रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव, लक्ष्माला बन माला पुण्यमालाधारी, भोले पुण्यमालाधारी, त्रिपुरारी कलसाने, त्रिपुरारी कलसाने, करमाला दाने, ओम हरे 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 महादेव, स्वयंवर पीतांबर पागंबर हंगे, भोले पागंबर हंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, गोदादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, करके मन कमंडल जगृति शूल धरता, भोले जगृति शूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ज्ञानति अविवेका, भोले ज्ञानति अविवेका, प्रणय अक्षर के माने, ओ अक्षर के माने, ये तीनों एका, ओ हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदे ब्रह्मचारी, हृदय उठे दर्शन पावत, मोगल पावत, महिमा दिवाने, ओ हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओ हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा, कुछ गऊ कर जल लाला, कुछ गौरे मगराला, वो बोले बाग पियन वाला, वो बोले दीन नयन वाला, वो बोले एक नयन वाला, वो बोले वाक्तन प्रतिभाला, वो बोले मे तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महास, हरे दांगे दारा, ओ हरे 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 महादेव, पूरी गौरव करुणा भुदान, सचार सारम होगे दया, सदा वसंत में ध्यान बिंदे, भव भवानी दैन नमा,
अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्णधाम वासुदेवम सीतलम मधुरम गोपगावल्लभम जानकी नायकम रामचन्द्रम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण